हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं और यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कितने रिटर्न्स आपको कमाने को मिल सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। बाय द वे, आप लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ऐसा तरीका है जहां पर आप छोटे से छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन आपके जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से काफी गुना ज्यादा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके की डेरिवेटिव ट्रेडिंग है जहां पर किसी भी कंपनी के असेट्स को बाय या सेल नहीं किया जाता है, बल्कि इन असेट्स के राइट्स को बाय या सेल किया जाता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहां पर कंपनीज के शेयर्स की डीलिंग नहीं होती है, बल्कि पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स को बाय करने या सेल करने की राइट्स की डीलिंग होती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके की डेरिवेटिव ट्रेडिंग है जहां पर डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उस तरीके के असेट्स जिनकी वैल्यूज किसी पर्टिकुलर असेट से डिराइव की जाती है। मतलब ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ट्रेड होते हैं किसी पर्टिकुलर असेट्स के वैल्यूज के बेसिस पर। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा होगा कि नुकसान होगा ये पता चलता है उस पर्टिकुलर असेट की वैल्यू के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कौन से साइड में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये टोटली आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि हम नॉर्मल मार्केट में बाइंग या सेलिंग करते हैं, वैसे ही यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कॉल या पुट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। सबसे पहले समझते हैं कि कॉल ऑप्शन क्या होते हैं। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग के बारे में तो सुना होगा। अब बाइंग एंड सेलिंग तो नॉर्मल मार्केट में होता है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में राइट्स को सेल किया जाता है या बाय किया जाता है। तो कॉल ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर आपको किसी भी पर्टिकुलर अंडरलाइंग असेट के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस और एक पर्टिकुलर एक्सपायरेशन डेट पर बाय करने के राइट्स मिलते हैं। जब भी आप कॉल ऑप्शन के राइट्स को बाय करेंगे तब यहां पर आपको बाइंग के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कॉल ऑप्शन में इसकी प्रीमियम बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करता है तो कॉल ऑप्शन की प्रीमियम्स कम हो जाती है। अब वहीं पर बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन आता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का एकदम अपोजिट होता है। पुट ऑप्शन में आप राइट टू बाय में नहीं बल्कि राइट टू सेल में डीलिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर और एक पर्टिकुलर एक्सपायरेशन डेट पर। अगर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यूज गिरते जा रही हैं, तब यहां पर आपको फायदा होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट ऑपोजिटिव परफॉर्म कर रहा है, मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी आ रही है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब यहां पर आपको पुट ऑप्शन में लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहली होती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जहां पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी हुई प्राइस पर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं, और डिपेंड करता है आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पर डिपेंड करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपायरेशन डेट। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी होती है, और जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है तब पता चलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपायरी के टाइम पर प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रीमियम। अब प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए पे करते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले आपको ऑप्शन चेन को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आखिर ऑप्शन चेन के बेसिक क्या है और ऑप्शन चेन काम कैसे करती है इसके बारे में आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूं। तो आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्टे ट्यून। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।